वार्म वेलकम इन कंसेप्ट बूस्टर क्लासेस आज हम आपको डिफ्रेंशिएसन की कुछ शॉर्ट uh, ट्रिक बताएंगे उन शॉर्ट ट्रिक में आपके सामने लिखी हुई हैं थ्री uh, टाइप्स के क्वेश्चन होंगे फर्स्ट टाइप का वाई इक्वल टू एफ एक्स टू दावर एफ एक्स टू दावर एफ एक्स टू दी पावर एफ एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट ओके इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करोगे इनको वाई मानोगे फिर लॉग लोगे लॉग लेके प्रोडक्ट फॉमूला इंप्लीमेंट करोगे तब जाके आपका डी वाई पॉइंट डी एक्स आएगा शॉर्ट ट्रिक में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल रही है शॉर्ट ट्रिक है कैसे इंप्लीमेंट करनी है मैं आपको यहाँ पर अभी समझाऊँगा सेकंड है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट दिस इज द ऑल्सो प्रॉब्लम ओके इसको कैसे सॉल्व करना है डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन ओके नेक्स्ट है इम्प्लीसिट फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एफ डैस एक्स अपॉन एफ वाई यहाँ ध्यान दें एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स का मतलब क्या है वाई इज अ कॉन्स्टेंट इसमें वाई कॉन्स्टेंट का काम करेगा और नीचे एफ डैस वाई में एक्स इज विल बी कॉन्सटेंट ओके तो अब आते हैं अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं ये एग्जाम्पल है वाई टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू दावर साइन एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट ओके अब यहाँ से हम कंपेयरिंग करते हैं तो एफ एक्स क्या होगा एफ एक्स होगा आपका एफ एक्स आप क्या मानोगे एफ एक्स दैट विल बी साइन एक्स एफ एक्स किसी करोगे साइन एक्स को पूरे फंक्शन को एफ एक्स में तो मान लेना क्योंकि आप जानते हो एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है तो आप तो ये कहोगे एफ एक्स इक्वल ये हो गया लेकिन ट्रिक के लिए आपको एफ एक्स साइन एक्स को ही मानना पड़ेगा ओके देन डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारी ट्रिक क्या कहती है वाई स्केयर अपॉन वन माइनस वाई लॉग एफ एक्स वाई जैसा सेम रख दें वाई अपॉन वन माइनस वाई लॉग क्या है आगे एफ एक्स एफ एक्स क्या ले रखा है आपने साइन एक्स साइन एक्स ओके मल्टीप्लाई एफ एक्स क्या मान रखा है आपने साइन एक्स तो एफ डे एक्स का मतलब जानते होंगे एफ डेस एक्स का मीनिंग है इसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफेंशिएट करना तो क्या होगा साइन एक्स का डिफेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन दैट इज साइन एक्स यह आपका आंसर हो गया कितना टाइम लगा मैंने तो बोला है समझा है आपको बोल के समझा है तो इसमें दस सेकेंड लगी है आप सीधे आपको ट्रिक आती है तो आप वो विद इन सेकेंड आप इसका आंसर कर सकते हो ओके नेक्स्ट है आपका y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स ये बताई थी मैंने आपको प्रॉपर्टी ओके शॉर्ट ट्रिक है आपकी वही सेम कंडीशन यहाँ पर फंक्शन क्या होगा आपका एफ़ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इम्प्लीमेंट दी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगी डी वाई पॉन्डी एक्स कंपेयरिंग करें एफ डैस एक्स एफ डैश एक्स मीन्स इसका डिफ्रेंशिएसन कॉस एक्स अपॉन अब टू वाई माइनस वन टू वाई माइनस वन लिख दिया कोई दिक्कत नहीं ये आपका आंसर हो गया कितना टाइम लगा कि, और वैसे सॉल्व करें अगर, simply, अगर, इसे अगर सिंपली अगर बेसिक कंसेप्ट के व्यापार इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करना होगा y इक्वल टू अंडर ऑफ साइन एक्स इसके जगह पर क्या रखोगे आप वाई इम्प्लीमेंट करोगे फिर क्या करोग स्केरिंग बॉथ साइड फिर डिफ्रेंशिएट फिर सेपरेट करोगे डी वाई अपॉन्ट डी एक्स करोगे कितने स्टेप कंज्यूम कर लिए आपने आपके मोर देन फोर स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर क्या है सिर्फ एपेक्स मैंने लिखा है आप इसे एज्यूम कर सकते हो एपेक्स ये है तो सीधा आपका आप आंसर क्वेश्चन के जस्ट बाद आपका आंसर होगा ओके अब आते हैं इधर एम्प्लीसिट फंक्शन पर एम्प्लीसिट फंक्शन होता है डी वाई एपॉन्ट डी एक्स माइनस एफ डेस एक्स माइनस एफ डैस एक्स ओके ये आपका फंक्शन है इम्प्लीसिट फंक्शन तो आप जानते होंगे एक्स और वाई में जो रिलेटेड ये क्वेश्चन होती हैं इम्प्लीसिट फंक्शन की होती हैं ओके okay? तो डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगी माइनस का साइन इम्प्लीमेंट करें माइनस का साइन इम्प्लीमेंट किया एफ डैस एक्स इसका x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन करें y को आप एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ करोगे चलो साइन एक्स वाई का क्या होगा कॉस एक्स वाई कॉस एक्स वाई कॉस एक्स वाई हो गया किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स वाई क्यू का क्या होगा अच्छा एक्स वाई क्यू का भी करना पड़ेगा लेकिन वाई क्या है वाई कॉन्स्टेंट है एक्स तो यहाँ पर क्या आएगा वाई माइनस एक्स वाई टू दी पावर थ्री इसका अगर कर डिफ्रेंसन करेंगे एक्स रेस्पेक्ट करेंगे वाई कॉन्स्टेंट होगा तो क्या होगा वाई क्यू वाई क्यू क्या है आपका कॉन्स्टेंट तो एक्स का वन हो गया वाई क्यू फाइव वाई का जीरो होगा दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट अपॉन एफ डैस वाई कॉस एक्स वाई अब क्या होगा एक्स एज ए कॉन्स्टेंट वाई के रेस्पेक्ट कर एक्स कॉन्स्टेंट है तो यहां पे क्या आएगा एक्स माइनस माइनस एक्स वाई क्यू एक्स वाई में एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा किसके रेस्पेक्ट करना है वाई के तो थ्री एक्स वाई स्क्वेयर और फाइव वाई का प्लस फाइव ओके समझ में आया ना नोमेटर में क्या लिखना है पहले माइनस का साइन साइन इंप्लीमेंट करना है ऊपर लिखना है आपको एफ डैस एक्स एफ डैस एक्स का मतलब है डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट करना है वाई एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा आपका ओके और अपॉन में एफ डैस वाई वाई के रेस्पेक्ट करना है एक्स एज ए कॉन्स्टेंट होगा इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई चलो इसका करते हैं इसका बताओ क्या होगा इसमें डीवाई पॉन्डी एक्स फाइंड करना है कैसे फाइंड करेंगे आप इम्प्लीसिट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें इसको इधर ट्रांसफर कर लें कॉस एक्स प्लस वाई माइनस लॉग एक्स प्लस वाई क्या होगा डीवाई पॉन्डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन इम्प्लीमेंट करें एफ डैस एक्स एक्स रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो इसका कॉस एक्स प्लस वाई का होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई वाई का ज़ीरो एक्स का वन क्योंकि वाई क्या है कॉन्स्टेंट माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई ओके अपॉन अपॉन में क्या लिखना है आपको एफ डैस वाई वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई ओके अब ये देखो ब्रैकेट दोनों सेम है कैंसिल हो गई आंसर क्या आ गया आपका माइनस क्या आ गया माइनस वन इसका अगर डिफरेंसेस में वैसे करोगे तो कैसे होगा सिंपली करोगे तो क्या होगा इसका करेंगे कॉस एक्स प्लस वाई का क्या होता है माइनस आइन एक्स प्लस वाई फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एक्स का वन होगा वाई का डी वाई पॉइंट डी एक्स होगा ऐसे साइड में करेंगे फिर सेपरेट करेंगे डी वाई पॉइंट डी एक्स कॉमन लोगे इसमें आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा और इस तरीके से आपको विद इन टेन सेकेंड के अंदर आपका ये आंसर आ गया दस सेकेंड सेकेंड भी नहीं लगेंगे दस सेकेंड तो मुझे इसलिए लगी हैं क्योंकि समझाना पड़ा है ओके तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी इसी इन ट्रिक्स के साथ मैं आपकी आज की जो वीडियो है क्लोज कर रहा हूँ और आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि ज़्यादा बच्चों के पास जाएगी ज़्यादा बच्चे बेनिफिट बेनिफिट होंगे इस प्रॉपर्टी से थैंक यू थैंक यू वेरी मच